एमएनएम का इंटरव्यू दिखाइए। सौमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नागराज जरा चार्ट चेक करिए आप एमएनएम का, किस तरह के ट्रेड बन रहे हैं। तब तक हम सौमित से पूछ के लौटते हैं कि नंबर्स में बाजार क्या उम्मीद बना के बैठा है। सौमित बताइए, महिंद्रा और महिंद्रा के नंबर्स अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें तो रेवेन्यूज करीब 3% से हायर हो सकते हैं, एबिटा करीब 9% से ग्रो कर सकता है और एबिटा मार्जिन जो है वो 12.7% आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब रेवेन्यू ग्रोथ होने के पीछे का कारण तो वॉल्यूम ग्रोथ ही है मेनली कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर वॉल्यूम ऑन सिक्वेंशियल बेसिस हायर साइड पे थे, बट ऑटोमोटिव सेगमेंट के जो वॉल्यूम्स थे वो थोड़े मार्जिनली डिक्लाइन हुए थे ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर सेगमेंट का जो हिस्सा रहेगा वॉल्यूम मिक्स में वो करीब 37.5% रहेगा एज कम्पेयर टू 34% जो हमें पिछले क्वार्टर में दिखा था। अब मार्जिन और एबिटा ग्रो करने के पीछे के मेन रीजन, पहले तो बेटर सेल्स मिक्स है, लोअर रॉ मटेरियल प्राइसेस है और तीसरा है ऑपरेटिंग लेवरेज, और इसी कारण हमें करीब 70 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन Q3 में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट फ्रंट में एक हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और इसके पीछे का मेन रीजन लोअर अदर इनकम ही होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वार्टर में कंपनी को टेक महिंद्रा से ज़्यादा डिविडेंड अमाउंट आया था करीब 30 रुपीज़ पर शेयर और थर्ड क्वार्टर में ये डिविडेंड अमाउंट लोअर था करीब 18 रुपीज़ पर शेयर, और लोअर अदर इनकम के कारण ही हमें नेट प्रॉफिट में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है महिंद्रा और महिंद्रा के नंबर्स पे। अब नंबर्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो क्या कमेंट्री आ रही है कंपनी की तरफ से सेल्स आउटलुक पे ऑटो सेगमेंट के लिए, ट्रैक्टर सेल्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आगे चलते, और न्यूली लॉन्च्ड XUV 400 के सेल्स नंबर कैसे रहे हैं कंपनी के लिए और अप्रोच और रिस्पॉन्स कैसा रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा महिंद्रा और महिंद्रा के नंबर से। सौमित, नागराज बताइए, एमएनएम ऑलमोस्ट 1400 रुपये के आसपास वापस आ गया है, डायरेक्टर साहब जिसका 6 महीने का ग्राफ दिखाइए। करेक्टिव फेज का ओवर हो गया, पोजीशन बन रही है ट्रेड के पहले, क्या रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है या अवॉइड है? आप लॉन्ग टर्म के चार्ट देखोगे एमएनएम का कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, जो भी डाउनवर्ड करेक्शन है आइदर रेंज की मूवमेंट में है या छोटा सा एक आध दो दिन का करेक्शन के बाद वो रेंज मूवमेंट में शिफ्ट हुआ है, उधर से एक अच्छा खासा एक अपसाइड बाउंस देखने को मिला है। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, इंटैक्ट है, 10 and 20 day EMA का सपोर्ट कंटिन्यूसली ले रहे हैं। मेरे ख्याल से रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट, छोटा सा अपसाइड ब्रेकआउट दिख सकते हैं, अगर स्टॉक 1390-1400 के आसपास से एक ब्रेक दे सकते हैं एक दो दिन में, और उसके बाद में उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 1470-1460 का। ठीक है, सो एमएनएम के नंबर से पहले ये एक पोजीशनिंग बाजार में, लेकिन